Hello, students. Good morning. Today we will discuss factor pricing under imperfect competition. Factor pricing means determining the price of factors of production like land, labor, capital, etc. Price of land is known as rent. Price of labor is known as wages. Price of capital is known as interest. In this chapter, we will focus on labor, that is, the determination of wage rate. As the heading suggests, this is factor pricing under imperfect competition. इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन यू नो दिस इज द अदर साइड ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्किट वन इज नोन एज प्रोडक्ट मार्किट अदर इज नोन एज फैक्टर मार्किट प्रोडक्ट मार्केट हम किस को बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट इज दैट मार्केट Where goods एंड services आर सोल्ड यहाँ पर गुड्स बेची जाती हैं खरीदी जाती हैं जैसे एक्स गुड वाई गुड दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट मार्केट और यहाँ पे फैक्टर बेचे खरीदे जाते हैं फॉर एग्जांपल लेबर को बाय करना लेबर को सेल करना दैट इज नोन एज द फैक्टर मार्केट तो जहां प्रोडक्ट की ट्रांजेक्शन हो दैट इज प्रोडक्ट मार्किट जहां फैक्टर की ट्रांजेक्शन हो दैट इज द फैक्टर मार्किट इनिशियली टू कवर दिस होल हैडिंग वी विल टेक एन अजम्पन दैट इन प्रोडक्ट मार्किट Suppose there is imperfect competition. If we assume imperfect competition in product market, you know there may be monopoly. Firm may be monopolist. There may be few sellers. Then we say the oligopolist. There may be many firms. Then we say मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन ये आपने याद रखना है इस चैप्टर में इनिशियली पहले हम इसको अज्यूम करके चलेंगे सपोज प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है एंड फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है सपोज फैक्टर मार्केट यहां पे लेबर कैपिटल बेची जाएगी खरीदी जाएगी तो वहाँ भी परफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रोडक्ट मार्केट में है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो ये हमने पहले याद रखना है प्रोडक्ट मार्केट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं फैक्टर मार्केट की यहाँ पे फर्म जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटर है इसका क्या मीनिंग दैट इट कैन हायर इट मीन्स फर्म फर्म कैन हायर एनी क्वांटिटी ऑफ एन इनपुट एट द गिवन मार्केट प्राइस ऑफ द इनपुट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में a imperfect competition as you know price is determined with the help of demand and supply in the market so in the market the price will be determined that is wage rate will be determined on the basis of demand for labor and Supply of labor. Suppose this is labor, this is wage rate, this is demand for labor in the market, this is supply of labor in the market. Suppose this wage rate is determined in the market. At this wage rate, the firm can hire. एनी क्वांटिटी ऑफ द लेबर सपोज ये जो वेज रेट डिटरमिन हुई सपोज दिस इज थर्टी थर्टी रुपीज और थर्टी डॉलर सपोज ये थर्टी डिटरमिन हुई तो थर्टी वेज रेट है लेबर की फर्म कैन बाय एनी क्वांटिटी अब थर्टी वेज रेट के हिसाब से फर्म एक लेबर दो तीन चार दस बीस पचास सौ जितने भी चाहे फर्म लेबर ले सकती है बट फर्म कितना लेबर लेगी जितना उसने प्रोडक्शन करना होगा अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म वट विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन

इसमें क्या है कंडीशन जैसे हम प्रोडक्ट मार्केट में स्टडी करते हैं कंडीशन इज सिंपल दैट इज एम आर इक्वल्स टू एम सी एम आर इक्वल्स टू एम सी वट वी आर ट्राइंग टू शो हेयर दैट दिस इज द एम सी दिस इज एम सी ये एम सी है कैसे दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ यू बाय टू और मोर इनपुट्स एमपीएल पॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू एम पी के ओवर आर मीन्स जैसे हम यूटिलिटी चैप्टर में स्टडी करते हैं इफ कंज्यूमर बाय टू गुड्स देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई दिस इज अज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन Consumer behavior. The same condition we are applying here. In place of marginal utility from the good X, we are taking marginal product from the laborer. U marginal utility of X, price of X. Marginal product of labor, price of labor. That is wage rate. इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी दैट इज वाई इट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ द अदर फैक्टर दैट इज कैपिटल तो ये दूसरे फैक्टर की कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्ट एंड कैपिटल की प्राइस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है सेम the law of equimarginal utility condition we are applying here. this is marginal condition. But taking reciprocal, agra reciprocal reciprocally, then it becomes w upon mpl equals to r upon mpk. and this is equal to mc. kaise, we can explain this with labor or capital suppose with labor this is W upon MPL now what is W W is the change in total cost upon change in labor so W upon MPL W is change in total cost due to change in labor. Cassie. Suppose firm is purchasing 10 units of labor. Wage rate is 30. At when firm is buying 10 units of labor if wage rate is 30 then total cost of the firm will be 300 on labor when firm will buying one more unit of labor wage rate is 30 now टोटल कॉस्ट विल बिकम थ्री थर्टी इट मीन्स वैन यू इंक्रीज लेबर बाय वन यूनिट टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय थर्टी तो जब हमने एक लेबरर को ज्यादा काम पे लगाया तो टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हुई change in tc due to change in l change in tc due to change in l this is 30 and 30 is the wage rate so you can write wage rate like this now mp what is marginal product of labor marginal product of labor is when we applying वन मोर यूनिट ऑफ लेबर दैन वट इज द चेंज इन टोटल आउटपुट दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगर हम एक लेबर ज्यादा काम पर लगाए तो टोटल आउटपुट में जितनी चेंज आई दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट कैंसलिंग डेल्टा एल डेल्टा एल इट मीन्स डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू एंड वट इज डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू दैट इज द फार्मूला ऑफ एम सी एम सी इसके लिए हम अगर कॉस्ट चैप्टर को देखें तो कॉस्ट चैप्टर में टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मार्जिन कॉस्ट देर आर थ्री कॉन्सेप्ट एंड देर यू कैन चेक द फॉर्मूला ऑफ एम सी चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट दिस इज एम सी सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन दिस आर अपॉन एम पी के इक्वल्स टू एम सी अगेन इफ वी चेक दिस कंडीशन दैट डब्ल्यू ऑन एम पी एल इक्वल्स टू आर ऑन एम पी के दिस इज यूटिलिटी रूल दिस इज इक्वल टू एम सी तो दिस इज द कॉस्ट साइट होल कास्ट साइट एम सी शुड बी इक्वल टू एम आर दिस इज द इक्वलिब्रियम कंडीशन ऑफ द फर्म तो फर्म की ये इक्वलिब्रियम कंडीशन है मतलब प्रोडक्ट मार्केट में फर्म विल चेक द इक्ब्रियम कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्म कंडीशन फर्म विल डिसाइड द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट इट शुड प्रोड्यूस और जब फर्म को यह पता लग जाएगा कि उसका बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट क्या है तो उसने कितनी लेबर लगानी है काम पे देन द फर्म विल बाय दैट यूनिट ऑफ लेबर फ्रॉम द इनपुट मार्केट विच इज परफेक्टली कॉम्पिटिटर नॉलिसन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें

तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है वो यहीं तक रहेगी ये वाली यू कैन नॉट राइट दिस इक्वल्स टू ए आर उसको हम ए आर के बराबर नहीं लिख सकते इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्यों बिकॉज यू नो अंडर इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए आर इज नॉट इक्वल टू एम आर ए आर इज ग्रेटर देन एम आर अगर हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें यू नो बोथ ए आर एंड एम आर बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड एम आर इज लेस देन ए आर ऑलवेज तो एम आर जो है वो छोटी होती है और ए आर थोड़ी बड़ी होती है ए आर इज ग्रेटर देन एम आर इसलिए हम इसको एम आर इक्वल्स टू ए आर और प्राइस नहीं लिख सकते इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन कॉम्पिटिशन सो अवर चैप्टर इज हेयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन कॉम्पिटिशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस with this then mpl into mr it becomes w mpl into mr equals to w or if you cross multiply this with mr then similarly you can write mpk into mr equals to r so this is again

दिस इज इन केस ऑफ टू गुड्स एंड दिस कंडीशन इज ऑफ इन केस ऑफ सिंगल गुड सिंगल गुड में कैसे डिसाइड होता है किसी भी गुड की मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस के बराबर होना दिस इज द इकुलिब्रीम कंडीशन फॉर कंज्यूमर हु इज बाइंग सिंगल गुड हेयर इफ द फर्म इज बाइंग लेबर Then it's, this is not marginal utility. This becomes MRP. So MRP is equal to the price of labor. MRP of capital equals to the price of capital. That is rate of interest. This is wages. Now you can understand this here. You must note. there are three types of productivity one is the marginal physical productivity that is change in total productivity upon change in यहाँ पर हम किस फैक्टर को लगाएंगे लेबर को कैपिटल को जिस फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप देखना चाहते हो चेंज इन दैट फैक्टर अगर हम कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हैं तो चेंज इन कैपिटल सो दिस इज द फर्स्ट टाइप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी दिस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट सेकेंड इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी व्हाट इज दिस इफ वी मल्टीप्लाई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी फैक्टर विद मार्जिनल रेवेन्यू दिस This is the marginal product revenue productivity of labor. And similarly, you can calculate value of marginal productivity. So this is MPP labor into AR or you can say price of the product. This is the value of marginal physical productivity. तो कहने का मतलब क्या है जैसे यूटिलिटी चैप्टर में ये कंडीशन है कि एक्स कमोडिटी की प्राइस एक्स कमोडिटी की एमयू के बराबर होनी चाहिए सेम कंडीशन यहाँ पर है कि किसी भी प्रोडक्ट से जो हमें जो फर्म को मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मिलती है वो उस फैक्टर की प्राइस के बराबर होनी चाहिए ए मींस एनी फैक्टर तो किसी भी फैक्टर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इट शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट फैक्टर फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू वेज रेट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट How we will explain the demand curve of a फर्म for an input किसी भी इनपुट के लिए फर्म डिमांड कैसे करती है जैसे हमने अभी डिसाइड किया कि फर्म कैसे डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी यू नो किसी भी फैक्टर की लेबर की जो मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन टू एम आर एंड जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट इज द एम आर पी इक्वल्स टू डब्ल्यू जो हमने अभी लास्ट पेज पे डिसाइड किया दिस इज एम आर पी द फॉर्मूला ऑफ एम आर पी इफ द फर्म इज परफेक्ट कॉम्पिटिटर इन प्रोडक्ट मार्केट अगर फर्म प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिट हो इस चैप्टर में नहीं है इस चैप्टर में तो हमने इम परफेक्ट अज्यूम किया है बट हम वैसे देख रहे हैं अगर हो तो क्या होगा देन ए आर इक्वल्स टू एम आर होंगे और अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को एम आर से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम एम आर पी And if you multiply marginal product with AR, then it will become VMP. Since AR equals to MR, therefore under perfect competition in product market, MRP will equal to VMP. But no, the firm is imperfect competitor, not perfect competitor. प्रोडक्ट मार्केट में अब जो हम कंडीशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि फर्म जो है वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटर है प्रोडक्ट मार्केट में इसलिए प्रोडक्ट मार्केट में जैसे ए आर एम आर डाउनवर्ड है एम आर लेस देन ए आर है इट मीन्स जब हम इसको एम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर पी आएगी जो कि छोटी होगी जब हम इसको ए आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एम पी आएगी जो कि बड़ी होगी इसलिए अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इक्वल्स टू बी एम पी होता है बट अंडर इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन एमआरपी लेस देन बी एम पी होता है तो ये चीज आपको ध्यान रहे अभी जो हम कंडीशन ले रहे हैं वो क्या कंडीशन ले रहे हैं देखो प्रोडक्ट मार्केट में फर्म है इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटर इसलिए जो प्राइस है ए आर है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है लाइक दिस एक्सेस प्रोडक्ट एक्सेस फॉलिंग प्राइस ऑफ एक्सेस फॉलिंग प्राइस ऑफ एक्स मीन ए आर ए आर इज फॉलिंग प्रोडक्ट मार्केट में फर्म इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटर है बट फैक्टर मार्केट में फर्म परफेक्ट कॉम्पिटेटर है फैक्टर मार्केट में इसलिए जो फैक्टर है उसकी प्राइस सेम है क्लियर सो फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन राइट हेयर फैक्टर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट मार्केट मीन्स यहां पर हम एक्स गुड का ट्रांजेक्शन करते हैं ट्रेड करते हैं बेचते हैं खरीदते हैं फैक्टर मार्केट मीन्स जहां हम लेबर बेचते खरीदते हैं सो so, यहां हम एक्स कमोडिटी की बात करेंगे कमोडिटी की बात करेंगे प्रोडक्ट की बात करेंगे वहां पे है इम्परफेक्ट कंपटीशन कॉम्पिटिशन एंड वेन यू विल डिस्कस लेबर फैक्टर इन दैट मार्केट देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो लिसन बिकॉज फर्म इज परफेक्ट कॉम्पिटिटर इन इनपुट मार्केट इनपुट मार्केट मीन्स फैक्टर मार्केट फैक्टर so, मार्केट में फर्म है परफेक्ट कॉम्पिटिटर परफेक्ट कॉम्पिटिटर मींस जो फर्म है फर्म के लिए वेज रेट फिक्स है फिक्स वेज रेट लेबर वेज दिस इज फिक्स जैसे हमने थर्टी डिसाइड okay. किया अब फर्म वन टू थ्री फोर फाइव जितना भी लेबर चाहे वो ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन एम आर पी एल इक्वल टू डब्ल्यू नो वट वी आर इन दिस पैराग्राफ दैट दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर ये सेम होगा अगर फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो लेबर के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा लेबर हम काम पे लगाएंगे उसके ऊपर जितना भी मार्जिनल एक्सपेंडिचर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू जैसे हमने लास्ट पेज पे देखा जब हमने लेबर एक ज़्यादा लगाया तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आई और यू कैन राइट दिस इज टोटल कॉस्ट और टोटल एक्सपेंडिचर तो अगर हम मार्जिनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर दिस इज थर्टी थर्टी इज तो मार्जिनल एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वेज रेट अगर हम फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन लेके चले तो क्योंकि हमने फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन ज्यूम किया है इसलिए जो W है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एम ई और कैन से मार्जिनल एक्सपेंडिचर

On the basis of this condition, where MRPL equals to W or where MRPL equals to ME marginal expenditure. Now listen, we have taken labor one two three four five This is the total product. Total product, we have एज यू नो जर्नली वी एज्यूम लॉ ऑफ डमनिशिंग रिटर्न्स इज अप्लाइड ज्यादातर पे, जो लॉ ऑफ डमनिशिंग रिटर्न है वो अप्लाई होता है लॉ ऑफ डमनिशिंग रिटर्न मींस, जैसे जैसे हम लेबर की और इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं तो टोटल आउटपुट इंक्रीज बट इट इंक्रीजेस एट डमनिशिंग रेट जैसे फर्स्ट ये टेन है तो ये एट बढ़ गया फिर सिक्स बढ़ा ट्वेंटी फोर हो गया फिर फोर बढ़ा ट्वेंटी एट हो गया फिर टू बढ़ा ट्वेंटी हो गया मतलब जो इसमें इंक्रीज हो रहा है जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं वो कम होता जा रहा है टेन एट सिक्स फोर टू दिस इज द लॉ ऑफ डमनिशिंग रिटर्नस ये हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लेबर इसलिए लिखा है क्योंकि वी आर इंक्रीजिंग आउटपुट बाय रेजिंग द यूनिट्स ऑफ लेबर लेबर की एक एक यूनिट बढ़ाकर हम टोटल आउटपुट बढ़ा रहे हैं इसलिए जो भी टोटल आउटपुट में चेंज आ रहा है वो इस एडिशनल लेबर की वजह से आ रहा है इसलिए ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर नो प्राइस ऑफ द कमोडिटी अब जो भी हमने जो प्रोड्यूस किया एक्स कमोडिटी सपोज हमने प्रोड्यूस की ये है उसकी प्राइस प्राइस मीन्स ए अब ये ए कहाँ से आई अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस रिमेन सेम बट अंडर इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस फॉल्स ए आर फॉल्स अब हमने क्या किया एक्स मार्केट में